कई बरसों बाद आवासन मंडल में ये रौनक देखने को मिल रही है। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर और बंद करने का आदेश दे गए थे, और आज एक वक्त है कि वर्तमान मुख्यमंत्री, राजस्थान के लोकप्रिय नेता, इस आवासन मंडल को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करता हुआ, मेरे साथ आए हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी, शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब, हमारे मुख्य सचेतक महेश जी जोशी, लोकप्रिय विधायक रफीक भाई, लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, लोकप्रिय विधायक अमीन साहब, और तो कोई विधायक नहीं बचा ना, और मेरे मित्र तथा हमारे साथी कैबिनेट में सुभाष गर्ग साहब तथा पुलिस के बेड़े के प्रमुख यादव साहब, और सारे अधिकारियों के ऊपर अधिकार रखने वाले माननीय चीफ सेक्रेटरी गुप्ता साहब, और उपस्थित सारे महानुभाव खुशवीर जी और गोपाल मीणा जी, लोकप्रिय खुशवीर जी और गोपाल मीणा साहब, मैं माफी चाहता हूँ भाई। भाइयों, ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, दिसंबर का महीना है, 3 ही महीने निकले हैं शायद सितंबर को। 5 सितंबर को एक शिक्षक पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी कि पुरस्कृत शिक्षकों के लिए हम फ्लैट बनाएंगे और आवासीय भूखंड भी देंगे, और यहां तक कह दी कि साहब जो पुरस्कृत शिक्षक होगा उसको 10% की रियायत भी देंगे, साथ ही साथ प्रहरी शिक्षा योजना भी की भी घोषणा की। कुल मिला के 3 ही महीने गुजरे हैं, अभी 3 महीनों में उस बात को पकड़ करके और आवासन मंडल आगे बढ़ा है, और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इन दोनों वर्गों के लिए ये दोनों योजनाएं मील का पत्थर साबित होगा। आतिश गोयल साहब बैठे हुए हैं, ये JDC थे जब एक जमीन थी जिसपे कचरा फैक्ट्री कहते थे, कचरा पात्र कहते थे, क्या कहते थे, है कचरा फैक्ट्री की जमीन हम देखने गए, तो ये तय हुआ कि इस कचरे को तो साफ करो और यहाँ पर आतिश मार्केट बनाओ, क्योंकि त्रिपोलिया के पास में जो आतिश मार्केट बना हुआ है उसको हम ये चाहते थे कि इसको खाली करवा करके पार्किंग का यहाँ पर इंतज़ाम करें। तो गोयल साहब के साथ, सिद्धू साहब के साथ मैंने 2-3 बार दौरा किया वहाँ का, और एक एक व्यापारी से बात करी, सब व्यापारियों ने हाँ भर ली कि हाँ हम खाली करने को तैयार हैं, हमारे लिए वहाँ पर एक नई दुकान बना दो। हमने कंसेशनल रेट पर, जो रेट उन्होंने मंजूर करी उसी रेट पर वो आतिश मार्केट बना दिया, लेकिन व्यापारियों ने वो व्यापार दिखा दिया और खाली नहीं की। अब हम उसे खाली करवाएंगे और एक पार्किंग स्थल बनाएंगे। अब आवासन मंडल ने भी, उसके पास में एक जमीन थी जिसपे दूसरों का कब्जा था, या लिटिगेशन था। तो लिटिगेशन को जो है निपटा निपटू करके उस पर, उसके पास में तो जमीन ले ली, न्यू आतिश मार्केट बनाने का वहाँ पर जो आपने प्लान बनाया है, निश्चित तौर पर ये व्यापारी वर्ग को व्यवसाय के लिए एक नया बाजार देगा। आज आतिश मार्केट उन बाजारों में शामिल हो चुका जो JDA के द्वारा बनाया गया था, जिसने चार दीवारी के अंदर के बाजारों को भी वापस पीछे छोड़ दिया। मैं समझ करके चलता हूँ कि यह योजना निश्चित तौर पर इतनी सफल होगी
मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार ने जिस प्रकार की दुर्गति इस मंडल की थी और बंद होने के कगार पर यह मंडल आ गया था, ये मुख्यमंत्री जी की सोच थी, वो गांधीवादी सोच थी। और गांधीवादी सोच ही नहीं है, एक आम आदमी के प्रति संवेदनशील होकर के जिस प्रकार का उन्होंने ये हमसे ये वादा करवाया था, मुझे याद है अच्छी तरह से 98 की गवर्नमेंट में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा था कि इस सफ़ेद हाथी को JDA को बंद करो। मैंने आपसे कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा था, मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दो, और मैं छांट छूट करके अच्छे अफसरों को लाया जिसमें गोयल साहब भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और उस JDA को खड़ा किया, और उस JDA के मार्फत पचासों काम जो है इस नगर में किए, इस शहर में किए, उस शहर का नाम ऊंचा किया। ठीक इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को यह शक था कि यार पूर्ववर्ती सरकार इसको बंद करना चाहती थी, ताला लगाना चाहती थी, अपन उस ताले को, ताले की चाबी घुमा दो साली। तो जो आशीर्वाद दिया और जिस तरह की गाइडेंस मुख्यमंत्री जी ने हमें दी, आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इसमें जान आ गई है। जान ही आ गई नहीं, ये संदेश हमने जब अधिकारियों को दिया तो अधिकारी भी जो 5 साल से सोए पड़े हुए थे, माफ करना, ये सब जितने भी हाथ ऊंचा करने वाले हैं ना, ये सब सो रहे थे 5 साल तक, अब ये जागृत हो गए। कई तरह की आप लोगों ने, आवासन मंडल ने, आपके कमिश्नर साहब ने और इनकी टीम ने कई प्रकार की योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री जी का ही आदेश था कि ई टेंडरिंग करो, ई ऑक्शन करो, ई ऑक्शन के माध्यम से आगे चलो। राजनतीजा ये निकला कि ई ऑक्शन का राष्ट्रीय कीर्तिमान ये आवासन मंडल बनाने जा रहा है। शेष मकानों के लिए भी जो आपने नई योजना बनाई आवासन मंडल ने, हर बुधवार को उत्सव। अब उत्सव में तो आदमी पैसा खर्च करने के लिए जाता है, मेले में काय के लिए जाते हैं लोग? मेले में कुछ ना कुछ खरीदारी करने जाते हैं, यहाँ तो ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि आमदनी कर रहे हैं। 775 मकान बेच दिए तीन उत्सवों में, पता नहीं कितने उत्सव मनाओगे भाई। कुल मिला के बात कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरीके से लगन के साथ काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा वापस लौटने लगा है आवासन मंडल की तरफ। एक जमाना था जब 70 में ये आवासन मंडल शुरू हुआ था, तब तो इसने पॉपुलरिटी गेन की थी, लेकिन जब प्राइवेट डेवलपर्स बीच में आ गए और कंपटीशन होने लगा तो लोगों ने आवासन मंडल के मकानों को लेना बंद कर दिया था, और उसी का नतीजा था कि आज 22,000 मकान बगैर बिके हुए हमें मिले, जिसको बेचने का जो है अभियान चलाया जा रहा है। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि प्रीमियम संपत्तियां दुगने तिगने दामों पर बिक रही हैं, जिस मकान को खरीदने के लिए कोई आता नहीं था वहां 100-100 आदमी एक एक मकान को खरीदने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। हमने पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दस्तकार योजना बनाई थी, जिसको आपने बताया अभी, 5 साल तक वो दस्तकार योजना धूल खाती रही। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा वापस उठाओ, उठाई और चल निकलेगी, ऐसी चल निकलेगी जो दुनिया देखेगी। लेकिन आपने यहाँ पर घोषणा कर दी ओन जी कि साहब हम क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, खेल गांव बनाएंगे, ये काम छोड़ रहा है। ये काम सरकार के आदेश से हुआ, क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर 5-5 है शहर में, इसमें से 2 स्टेडियम तो ऐसे हैं, चाहे वो आपका ये आपका इसका स्पोर्ट्स काउंसिल का हो
और दूसरा एक स्टेडियम जो बनने जा रहा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो आरसीए के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन आइडेंटिफाई हो गई है, उसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। आरसीए के द्वारा जो बनाया जाएगा वो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होगा। तो इसलिए जगह जगह स्टेडियम बना दें, 5 स्टेडियम तो ऑलरेडी यहाँ पर है आपके, मानसरोवर में के है, चौगान में है आपका, उसमें विद्याधर नगर में है। यार कितने स्टेडियम खोलोगे यहाँ, दूसरे कई काम है। हाँ छोड़ो इसको, इसमें हम पे छोड़ो, आप सरकार विभाग सरकार आदेश देगी उसके अनुसार चलेंगे। मंडल के एक्ट में आपने संशोधन की बात कही, निश्चित तौर पर संशोधन होना चाहिए। हमने प्रपोजल्स बनाए, जो प्रपोजल्स मंडल ने मुझे भेजे हैं मैंने उनको और दुरुस्त किया है। अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण के साथ साथ अवैध निर्माण हटाओ, और उसके बाद भी परिवर्तन शाखा आपके यहाँ पर खुले स्थापित हो। इन सब के लिए हमने जो प्रस्ताव बनाया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी के बाद कैबिनेट में जाएंगे और फिर विधानसभा में लेकर के मैं जो है कोशिश करूंगा कि इनको सबको वैसा वैसा पास किया जाए। ये बात देखने को मिलती है कि मकान की किस्तें नहीं आती, ब्याज और पेनल्टी के वजह से भुगतान नहीं कर पाता, या अन्य भी कोई कारण होते हैं जिनके वजह से वो भुगतान नहीं कर पाता। तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए हमने आवासन मंडल को कहा है कि एमनेस्टी योजना चालू की जानी चाहिए ताकि ये मामले भी निपटे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो 3,000 से भी ज़्यादा जो केसेस हैं उनको निपटाने के लिए या तो लोक अदालत लगाओ और या कोई समझौता समिति बनाओ और इनको निपटाओ। पुराने पुराने मामले हैं जिनसे कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ तो मिल पाएगा अगर समझौता हो जाएगा तो। इस बात को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आप लोग इस बात के लिए रजामंद होंगे। इसके साथ साथ मैं दूसरा भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए शहर बड़े शहरों में आवासन मंडल को अपना काम की गति धीरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर आपके सामने हैं और वो डेवलपर से कंपटीशन जब होगा तो आप पिछड़ जाओगे। आप इसलिए पिछड़ जाओगे क्योंकि आपके जो ओवरहेड्स हैं वो इतने हैं कि आप प्राइवेट डेवलपर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटे छोटे टाउन्स में जहाँ पर कि अंग्रेजी मीडियम का स्कूल पहुँच चुका हो, जहाँ पर अस्पताल पहुँच चुका हो, जहाँ पर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच चुका हो, या पानी का पूरा इंतज़ाम हो, या पूरी बिजली मिलती हो, निश्चित तौर पर वहाँ पर जहाँ आपने एक्वायर कर रखी है लैंड वहाँ पर आप मकान बनाओ। नतीजा क्या हुआ, अभी इकलेरा एक छोटा सा कस्बा है झालावाड़ में, छोटा सा कस्बा है, उसमें शायद 225 करीब मकान आपके बने, 277 मकान बने हुए पड़े हुए थे, एक दिन में बिक गए, छोटा सा कस्बा है। तो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पर अगर आप मकान बनाते हो तो ज़रूरत वहाँ की है, और उससे हमें एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि माइग्रेशन जो होता है, सिर्फ इसलिए माइग्रेशन होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े शहर में आना चाहता है, नौकरी करने के लिए वहाँ पर आना चाहता है, वो इसलिए रुकेगा कि उसके कस्बे में मकान भी मिलेगा, अस्पताल भी मिलेगा, अंग्रेजी स्कूल भी मिलेगा, बिजली पानी वगैरह 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 सड़क वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिलेगा, तो फिर वो शहर में नहीं आएगा, माइग्रेशन रुकेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। तो इसलिए वहाँ पर नज़र रखिए, इन बड़े शहरों को छोड़िए। यही सब बातें कहता हुआ मैं आपसे इस आवासन मंडल को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। भरपूर अधिकार, चाहे वो अतिक्रमण हटाने के हों, अवैध निर्माण हटाने के हों, वसूली करने के हों, वगैरह वगैरह जो भी अधिकार हैं, अलावा इसके कि जिन जमीनों पर कब्जा हो चुका है और वहाँ की कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता।
वो पहले भी जेडीए करता आया है, किया है 2012 2013 में, मेरा ख्याल है कोई जहां जहां पर भी नजर पड़ी और जहां जहां पर भी आपकी कॉलोनीज पर जो है आपके आपकी जमीन पर जो एक्वायर्ड लैंड पर कॉलोनीज बन गई उनका रेगुलाइजेशन हमने यूआईटी के माध्यम से और जेडीए के माध्यम से करवाया था। उस झगड़े में मत पड़िए, अपना काम करिए, भूल जाओ उन बातों। तो ये सब बातें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज सिद्धू सुबह नहीं आया क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीए जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको, यहाँ के कमिश्नर पवन जी अरोड़ा को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इस बात का कि मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी कि इसको पुनर्जीवित करो, इसमें जान डालो, इसको चलाओ, इसके दोनों पैर जो टूटे हुए हैं वो आज खड़े हो गए हैं, और खड़े ही हो गए हैं बल्कि दौड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं। उनको काम, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आप सबका सहयोग जो मिल रहा है मैं चाहता हूं कि उसमें और वृद्धि हो। जय हिंद, धन्यवाद।